बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब रफ़ीक रजवाना साहब, फॉर्मर गवर्नर, जनाब मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, जनाब जावेद अली शाह साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, जनाब शाहिद महमूद खान साहब, जनाब आसिफ रजवाना साहब, जनाब डॉक्टर आना तारिक साहब और जनाब एहसानुद्दीन कुरैशी साहब और बहुत से यहाँ आए हुए नामवर नाम सियासत के, अवामी खिदमत के, एक दूसरे का ख्याल करने के और मुल्क के आप सब चाहने वालों, इलाके की बेहतरी चाहने वालों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान हाज़िर हुआ था, कुछ कमिटमेंट्स थी मेरी और बहैसियत गवर्नर जिस अहदे पे मुझे अल्लाह सुबहान व तआला ने ये अता फरमाया अहदा और अल्लाह के बाद हमारे कायदेन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और पार्टी की टॉप लीडरशिप सब ने जो एतमाद का इजहार किया, मैं अल्लाह के बाद उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ साथ ये अल्लाह की तरफ से एक खसूसी मौका भी है कि हम अपनी आखरत को बेहतर करें और लोगों की खिदमत और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करें, और यही अल्लाह पसंद करे। तो गवर्नर जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का तमाम सूबे की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, उनका चांसलर भी होता है और उसके साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का पेट्रन भी होता है। तो उन ज़िम्मेदारियों की अदायगी का भी मुझे कुछ करनी थी, यहाँ पे काम थे, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि हमारे जो साथी हैं, नामवर नाम हैं, सबसे पहले मैं कल जैसे ही मुल्तान पहुँचा रफ़ीक रजवाना साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और आज कुछ और साथियों के पास भी गया और आज जनाब मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर भाई की दावत पर यहाँ हाज़िर हूँ। और आज मेरा इरादा था कि मैं यूनिवर्सिटी की सेनेट की मीटिंग के बाद फौरन चला जाऊं, लेकिन इनका हुक्म जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता था। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत मोहतरम साथी हैं और अल्लाह सुबहान तआला ने इनको बहुत इज़्ज़त दी है। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी जो कि वफाकी वज़ीर का दर्जा है इनके पास, तो ये भी अल्लाह की ख़ास इज़्ज़त और ख़ास अल्लाह का करम है जो पार्टी लीडरशिप के एतमाद के ज़रिए और आपकी मोहब्बतों के ज़रिए अल्लाह ने इनको अता फरमाया। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और आपको शाबाश भी देना चाहूँगा कि अब्दुल गफ्फार डोगर साहब की सरबराही में और हमारे तमाम मुल्तान की लीडरशिप की मुआवनत के साथ आपने जो भी कामयाबी हासिल की है, और आपके लिए तो दोहरा चैलेंज था। एक चैलेंज ये था कि इन हालात में जब झूठ जो है वो उसका तूती सर चढ़कर बोल रहा था, साइफर की यहाँ बात की गई, साजिशी बयानिया की बात की गई, तो उस साजिशी बयानिया जो है वो बाकी इलेक्शंस में और बाकी जगहों पे उसका उस तरह तोड़ नहीं किया जा सका, लेकिन आपने उसका भी तोड़ किया और अपने दिल पे भी आपने जबर किया। कल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो भी बिलखसूस बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे और कहने लगे कि मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हमने ये, मैं आपको गिलानी जी सरदार गिलानी साहब की बात बता रहा हूँ, वो कहने लगे कि मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम लीग ही हैं और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने दिल पे पत्थर रख कर तीर को मोहर लगाई है और ये मुश्किल काम है। तो ये आपका यकीनन बड़ापन है, पार्टी के डिसिप्लिन के साथ आप चले हैं और आपका एतमाद है पार्टी की क़यादत पर जिन्होंने मुल्क की बेहतरी की खातिर इकट्ठे होकर इस सो कॉल्ड तब्दीली जो कि मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रही थी, मुल्क के लिए को जिसने बदतरीन कर्ज़ों में जकड़ के रख दिया था और ऐसे बुरे अमन अमान के हालात और उसके असरात अब बाहर निकल रहे हैं। ये जो महंगाई आज हो रही है, क्या ये दो दिनों की हुकूमत से होगी? वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो जब भी इक्तदार में आई उसने महंगाई को लगाम डाली,
आप डेटा उठा के देखिए, यहाँ पे नौजवान बच्चे मौजूद हैं जो गूगल करते हैं, और देखिए हमेशा बहसत मुसलमान हमें तहकीकशुदा बात करनी चाहिए। कह दिया गया है कि सुनी सुनाई बात को मानना मना है, तो आप रिसर्च करें, देखें कि किन अदवार में पाकिस्तान में महंगाई जो है वो उसका जोर टूटा है। पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर अब तक जो सबसे कम अफरात इज़हार यानी सबसे कम महंगाई, जो सबसे कम इन्फ्लेशन है, वो PMLN के दौर में हुई है। खसूसन मुझे याद है कि गालबन 2016 साल था जब महंगाई जो है वो 2.6% थी, जबकि कोई साल भी इतना कम नहीं रहा, और ऐसे ऐसे अदवार गुजरे हैं 12%, 13%। तो आज जो असरात आ रहे हैं वो पिछले 3.5 साल की बद इंतज़ामी, बैड गवर्नेंस, करप्शन और झूठी बातों के नतीजे में आ रहे हैं। लेकिन उसको उनका काउंटर करने के लिए उस टीम का इंतखाब कोलिशन गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें हमें फ़ख्र होना चाहिए अपनी क़यादत पर, कि जो तमाम कोलिशन पार्टनर्स थे उन्होंने मिल के पार्टियों ने तय किया कि इतने मुश्किल हालात में इस वक्त मुल्क है, इसकी क़यादत वज़ीर आज़म जो है PMLN का होना चाहिए, वज़ीर ख़ज़ाना PMLN का होना चाहिए, अगर पंजाब में हुकूमत मिलती है तो वज़ीर आला जो है वो PMLN का होना चाहिए, और गवर्नर जो है वो भी PMLN का होना चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क़यादत की काबिलियत का एक एतराफ़ है। 2013 में जब हुकूमत मिली थी तो उस वक्त भी मैं वफाकी काबीना का हिस्सा था, और हमने जावेद अली शाह साहब हमारे साथ थे और साथी थे, पूरी टीम ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और मियां शहबाज शरीफ के साथ बिजली का वो बहरान जिसके लिए दुनिया के लोग हंसते थे, तज़हीक करते थे और कहते थे कि पाकिस्तान का तो कोई खुदा ना खास्ता खाकम बदान के मुस्तकबिल ही नहीं है, और ऐसे हालात में पाकिस्तान आ गई कि 18-20 घंटे की लोड शेडिंग दुनिया के किस मुल्क में होती है कि 3 या 4 या 5 घंटे के लिए बिजली आए और फिर बाकी ना आए। लेकिन ऐसी चीज़ें जो ना मुमकिन समझी जाती थीं, अल्लाह सुबहाना व तआला ने उन धरनों के और उन साजिशों के बावजूद उसको कामयाब किया था, और अभी भी इंशाल्लाह हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत मसाइल हैं, कर्ज़ों का बोझ है और चीज़ें, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन पाकिस्तान हो चुका था जब जिम्मेदारी संभाली थी, और इमरान खान उस तरफ धकेल रहा था डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ चली। हम अपने दोस्तों को नाराज़ कर बैठे थे, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं मुस्बत तरफ आ रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि झूठ कभी भी जो है वो देर पा नहीं होता, और दायमी कामयाबी सच में, तो सच्चाई का बोलबाला हो रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले कहा कि 35 पंचर लगाए गए थे, बाद में कहा वो तो मैंने वैसे ही बयान दे दिया था, पहले कहा कि ये साजिश हुई है, बाद में कहा नहीं नहीं मैं साजिशी बयान को वापस लेता हूँ, खुद वापस ले लिया। इदारों ने तो कह दिया था, इस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया था, सब ने कहा था, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने कहा था कि भाई ये कोई साजिश नहीं है इसमें, हम सिर्फ हम आपकी बद इंतज़ामी, बैड गवर्नेंस और गलत फैसलों और आपके एटीट्यूड रवैयों से तंग आ चुके हैं, और आपकी हुकूमत भी सिर्फ PTI की हुकूमत नहीं थी, बैसाखियों के सहारे खड़ी थी और कोलिशन गवर्नमेंट थी, मुख्तलिफ पार्टियों ने मिलकर आपको अक्सरियत दी थी, अब वो पार्टियाँ आपसे हट गई हैं, दूसरी तरफ मिल गई हैं जो कि ऐन कानूनी आइनी और अखलाकी तरीके हैं पूरी दुनिया में कि अगर कोई पार्टी हट जाए। आज अगर पंजाब में भी हुकूमत है PTI की, तो उसमें भी वो सहारा है MPAs का, जिन जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसके सरबराह जो ये शुजात हैं उनका फैसला कुछ और है और MPAs का फैसला कुछ और है, तो उस कानूनी बुनियाद पर और कानूनी फैसले के नतीजे में ये कायम है, वरना कोई अक्सरियत नहीं। बहरहाल ज़िमनी इंतखाबात जहाँ बाकी जगहों पे कुछ लोग साजिशी बयानिए कबूल करते नज़र आए, आपकी मेहनतों से जहाँ पे उस वक्त तक ये क्लियर नहीं हुआ था जो अब आके क्लियर हुआ, तो लेकिन आपका एतमाद था, आपका यकीन था, आपने लोगों को समझाई, उनको बात समझ आई,
आपने यहाँ पे अपनी पूरा किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ये सीट निकली कोलिशन गवर्नमेंट की, मैं मुबारकबाद पेश करूँ। तो इंशाल्लाह अभी मैं अगरचे मुल्तान हूँ लेकिन मेरा रबता गवर्नर हाउस में अपने सेक्रेटेरिएट में है मुसलसल, और मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि कोई इस्तीफे आए हैं, कोई असम्बली तोड़ने की एडवाइस आई है। तो अभी तक तो उनको भेजने की क्या कहना चाहिए मुझे कि तौफीक नहीं हो रही, और लोग ये कहते हैं, गैब कई मल्ला के पास है लेकिन लोग ये कहते हैं कि पहले भी चूँकि मौसूफ हर चीज़ में यू टर्न लेते हैं तो कुछ बईद नहीं कि इसमें भी वो यू टर्न लेंगे, लेकिन अगर असम्बली तोड़ने की एडवाइस आई भी सही तो बाखुशी उस पर मैं अमल करूँगा, क्योंकि क्योंकि बदकिस्मती से बहुत से मामलात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे। बहरहाल अगरचे एक जमहूरियत पसंद होने के नाते इसको मैं ये नहीं कह सकता कि खुशी से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इस वक्त बहुत से ऐसे मामलात हैं जो सही होने चाहिए, उसकी तफसील में भी जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत कमियां हैं और बहुत मसाइल हैं, वो चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। इंशाल्लाह मौका मिला तो वो भी आपसे किसी वक्त शेयर करेंगे, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं और उसको इंशाल्लाह कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख, हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह सुभान व तआला से उम्मीद है कि जितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, कावशें की जा रही हैं, और दिन रात एक इधर से इनका लॉन्ग मार्च लाहौर से निकल के गुजरांवाला नहीं पहुंचता, तो शहबाज शरीफ चार मुल्कों से पाकिस्तान के हालात बेहतर करके, डील्स करके, उनके साथ बात करके, उनके साथ मुल्की बेहतरी के मामलात तय करके वापस मुल्क पहुंच चुका होता है, क्योंकि वो शहबाज सबीर से काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोलिशन पार्टनर्स मिल के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे हर तरफ एक बड़ी मुस्बत बात नज़र आई है कि एक पॉजिटिविटी नज़र आई है, और लोग मुस्बत अंदाज में मुल्क के लिए तमाम पार्टीज अपने पिछले गिले शिकवे भुला कर और मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुबहाना व तआला आपके जान माल देश में बरकत अता फरमाए, और पाकिस्तान जो कि जिसकी कामयाबी में हम सबकी कामयाबी है, ये वो कश्ती है जिसके हम सवार हैं, और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, अल्लाह ताला हमारे वतन को शाद व आबाद रखे और परेशानियों से बचाए, और इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा फिर हमारी क़यादत को इसको बहुत आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।